नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। महाराष्ट्र में भले ही चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चुनावी माहौल वहां पर अभी से सज चुका है। हर कोई ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े इस बात को लेकर उत्साहित है और कोशिशें कर रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी भी है महायुति में, हालांकि महाविकास अघाड़ी में भी ऐसा ही हाल है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे महायुति की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 150 सीटें यानी कि लगभग आधी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बेताब है और इसके लिए कोशिशें कर रही है, अड़ी हुई है। लेकिन शिंदे और अजीत पवार का फिर क्या होगा? वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि सहभागी तो महायुति में हर कोई है और कोई कम या कोई ज्यादा है ऐसी बातें भी नहीं होती हैं। भारतीय जनता पार्टी भले ही केंद्र में सरकार में है, लेकिन वहां पर अगर देखेंगे परिस्थिति, लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए उसके बाद से, तो हर कोई एक ही लेवल पर नजर आ रहा है उसमें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम 150 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो ये सूत्रों का जो दावा है उसके हिसाब से हम ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 140 से 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और उसे इतनी सीटें मिल सकती हैं। 80 से 90 सीटें शिवसेना शिंदे गुट के पास जा सकती हैं, जबकि अजीत पवार की एनसीपी को 55 से 60 सीटें मिल सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से लगातार ये दावा किया जा रहा है महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर। भारतीय जनता पार्टी उसमें सबसे ज़्यादा 150 के करीब सीटें, उन पर चुनाव लड़ने की कोशिश उसकी रहने वाली है। हालांकि जब हमारी बात हुई हमारे सहयोगियों से, तो उन्होंने हमें बताया कि भारतीय जनता पार्टी बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रही है और उसने 150 का आंकड़ा इसीलिए रखा है कि अगर वो 125-130 सीटों तक भी अगर उसको मिल जाए बार्गेनिंग के बाद में, तो फिर कोई बुरी बात नहीं होगी और वो इतनी सीटों पर चुनाव लड़ लेगी। तो उसने एक बार सेट कर दिया है 150 सीटों पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम 150 पर अड़े हुए हैं और बाद में थोड़ा सा नरमी बरतेगी और अगर 10-15-20 सीटें अगर कम भी हो जाती हैं तो उसके फायदे की बात होगी। लेकिन महायुति में सबसे बड़ा सवाल अजीत पवार को लेकर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए उसके लिए उन्हें ही कोसा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या थे पहले वो जान लेते हैं। लोकसभा चुनाव में 48 सीटें आप जानते हैं महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा की आती हैं, उसमें से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। शिवसेना शिंदे गुट के खाते में 7 सीटें गई थी और 1 सीट एनसीपी अजीत पवार के गुट में गई थी। अजीत पवार ने 4 सीटों पर ही इलेक्शन लड़ा था, तो कुल मिलाकर 17 सीटें ही इनके खाते में आई थी। महायुति के खाते में सिर्फ 17 सीटें आई थी। 30 महाविकास अघाड़ी के खाते में गई थी सीटें, जो एमवीए है, विपक्ष है, उसके खाते में गई थी। और तभी से टेंशन बढ़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी की कि आखिरकार किया क्या जाए, विधानसभा चुनाव हो रहा है तो उसमें कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ा जाए, अपने दमखम पर क्या सत्ता हासिल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसी वजह से 140 से 150 सीटें वो खुद अकेले दम पर लड़ना चाहती है। देवेंद्र फडणवीस को आपको याद होगा कि किस तरह से वो मुख्यमंत्री थे और उसके बाद उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया। शिंदे साहब जो शिवसेना तोड़ कर आए थे, कम सीटें उनके पास, बावजूद इसके उन्हें मुख्यमंत्री पद मिल गया। अजीत पवार एनसीपी तोड़कर आए, उसके बराबर में अब देवेंद्र फडणवीस को बैठना पड़ता है, यानी कि उनके वो भी डिप्टी सीएम है। तो इस तरह की परिस्थितियां बनी है। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा सीटें वो लड़े, ज्यादा से ज्यादा सीटें वो जीते, जिससे इन दो पर दबाव बन सके। जी हाँ, शिवसेना और जो अजीत पवार का एनसीपी जो अजीत पवार की है उसमें दबाव बन सके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम 150 के आंकड़े के पास पहुंचे, वहां तक इलेक्शन तो लड़े कम से कम। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, लोकसभा चुनाव के नतीजे मैंने आपको दिखाए, 30 सीटें 48 में से समझिए विपक्ष के खाते में चली गई, आधी से ज्यादा सीटें चली गई। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ी हुई है लोकसभा चुनाव के बाद कि आखिरकार किस तरह से इलेक्शन लड़ा जाए, कितनी सीटों पर लड़ा जाए। अभी हाल ही में हमने देखा अमित शाह जी गृहमंत्री वो गए और शीर्ष नेताओं से मुलाकात की, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस भी थे उनसे भी मुलाकात की, अजीत पवार से भी मुलाकात की और शिंदे साहब मुख्यमंत्री उनसे भी मुलाकात की और सभी को एक भरोसा दिया कि सीट बंटवारे में कोई खींचतान हम करना नहीं चाहते हैं और सबको सम्मानजनक सीटें मिले इसका प्रयास रहेगा। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, एक साथ एक मंच पर खड़े होकर साथ में लड़ाई लड़नी होगी।
आपस में खींचतान नहीं करनी होगी। अब अमित शाह जी तो दिल्ली आ गए, लेकिन वहां की स्थितियां अभी भी वैसी ही बनी हुई हैं। खींचतान की खबरें आ रही हैं। उस बीच ये भी खबर आई है कि 140 से 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो हमारी जानकारी बता रही है, हमारे सहयोगी बता रहे हैं, वो ये कि बार्गेनिंग है ये। 150 सीटें कहकर अगर उनको 130 सीटें भी मिल जाती हैं, 125 सीटें भी मिल जाती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या बुरा रहेगा? अगर वो अभी से 100 सीटों का राग अलापे, फिर बार्गेनिंग हो तो और नीचे चले जाएंगे। इसीलिए 150 बता रहे हैं। 150 बताकर उनको अगर 20 सीटें 15 सीटें कम भी मिली तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा एनसीपी को लेकर चर्चा है कि वो कितनी सीटों पर लड़ेगी और इनको सबसे ज़्यादा कम सीटें मिलेंगी, ये तो कहा ही जा रहा है। जो सूत्र कह रहे हैं वो भी यही बता रहे हैं, लेकिन अब देखिए कितनी सीटें मिलती हैं। हालांकि अजीत पवार को 50 से 60 सीटें मिलने के बारे में चर्चा हो रही है, 55 से 60 सीटें इसमें लिखा हुआ है, इतनी सीटें मिल सकती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि अजीत पवार इतनी सीटों पर चुनाव लड़ें, लेकिन लोकसभा में जो उनकी स्थिति रही है उसके हिसाब से अगर देखें तो इतनी सीटें भी उनके लिए ज़्यादा लग रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उनको कोस रहे हैं, जो शिंदे गुट है शिवसेना का, उनके नेता ही कह रहे हैं कि देखिए अजीत पवार जी के जो मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय, वही सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। तो खुलेआम बातें हो रही हैं अजीत पवार को लेकर। इस बीच ये भी एक बार्गेनिंग टेक्निक हो सकती है, जिसमें अजीत पवार को और नीचे ले जाकर, शिंदे को थोड़ा सा दबा कर, भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश करें। हालांकि फाइनलाइज कुछ भी नहीं है, ये अभी चर्चा चल रही है। सूत्रों के हवाले से हमने ये जानकारी आप तक पहुंचाई है। आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों पर चुनाव क्यों लड़ना चाहती है? क्या वजह है? क्या वो इसलिए कि खुद अपने पैरों पर महाराष्ट्र में खड़ी हो पाए? क्योंकि स्थिति ये आ गई अपने ही सबसे बड़े नेता को, 2019 का इलेक्शन देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लड़ा था, लेकिन आगे बढ़ती परिस्थितियों में देवेंद्र फडणवीस कहीं गायब हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से आए एक नेता को, एक पार्टी को जो उनके साथ अलाइज में आई, उसके नेता को मुख्यमंत्री पकड़ा दिया, का उनका पद पकड़ा दिया, कुर्सी पकड़ा दी, और देवेंद्र फडणवीस को उनके बगल में बैठा दिया, एक पद उनका कम कर दिया। तो खुन्नस तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी, जो कसक एक टीज कहेंगे, वो तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर होगी। और क्या इसी वजह से उसने 150 का टारगेट तय किया है कि हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे अपने दम पर, और फिर देखते हैं क्या होता है? अगर जीत गए तो वाह वाह होगी, लेकिन लोकसभा की तरह अगर नतीजे आए तो फिर स्थिति गड़बड़ा जाएगी। ना शिंदे के पास कुछ बचेगा, ना अजीत पवार के पास बचेगा, और भारतीय जनता पार्टी भी 400 का टारगेट तय किया गया था, 370 अकेले मारेंगे, लेकिन फिर स्थिति कम हो गई। वो जो बेंचमार्क था वो भी क्रॉस नहीं कर पाए, जो आंकड़ा उनको दो बार से आ रहा था वहां तक भी नहीं पहुंचे और परिस्थितियां डगमगा गई। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 150 सीटों पर रखा है दांव। अब देखिए आपस में महायुति में समन्वय बैठ पाता है या नहीं बैठ पाता है। अमित शाह हालांकि समझा कर गए हैं, गृहमंत्री खुद आए थे, मुलाकात की थी शीर्ष नेताओं से, देखिए क्या परिस्थिति होती है। आप किस तरह से देख रहे हैं महाराष्ट्र के संग्राम को, जो सियासी संग्राम महायुति के अंदर मचा हुआ है, उसको कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।